हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए शुरू करते हैं किन्नौर विंटर सीरीज का सेकंड पार्ट। आज तारीख 15 जनवरी है और मैं चंडीगढ़ से शुरू करके यहाँ रिकांगपियो पहुँच गया हूँ। चंडीगढ़ शिमला रिकांगपियो की बस जर्नी आप पार्ट वन में देख सकते हैं। बस जर्नी बहुत ही अच्छी रही, स्पेशली नारकंडा के आसपास के व्यूज़ तो मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। तो मुझे फ्रंट सीट भी मिल गई थी और बस के ड्राइवर राकेश भाई से गप्पे मारते हुए सफ़र बहुत अच्छा कट गया। 4:30 बजे मैं यहाँ रिकांगपियो पहुँच गया। बस स्टैंड में भी यहाँ वहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये बर्फ़ एक्चुअली 7 से 10 जनवरी के बीच हुए हैवी स्नोफॉल की है। ये स्नोफॉल इस सीज़न का पहला हैवी स्नोफॉल था। आज तो मैं रूम पहुंचकर आराम ही करूंगा। पहले मैं यहाँ भगवती होटल में रुकने वाला था, पर फिर मेरे पापा ने PWD रेस्ट हाउस में अरेंजमेंट करवा दिया, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। PWD रेस्ट हाउस यहाँ नीचे ही है और अभी यहाँ पर टेम्परेचर 0 या फिर -1-2 डिग्री होगा। और टूरिस्ट तो क्या, मुझे लोकल लोग भी बाहर सड़कों पर नहीं दिख रहे। काफ़ी सारे होटल्स भी अभी बंद हैं क्योंकि पाइप्स में यहाँ पानी जम गया है। तो जनवरी के महीने में यहाँ आने से पहले आप होटल वालों से ज़रूर कंफर्म कर लें। थोड़ा आगे जाने पर नीचे ये सुंदर सी बिल्डिंग दिखी, फिर बाद में पता चला कि यही PWD रेस्ट हाउस है। रास्ता यहाँ आगे से है। और ये व्यू तो ऐसा है कि जितना मर्जी देख लो आपका मन ही नहीं भरेगा। बाहर काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग यहां आए हुए हैं, पर अंदर बात की तो पता चला कि सब गाड़ियां यहां लोकल लोगों की ही हैं। और ये रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं पर कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। बिल्डिंग भी ये काफ़ी पुरानी है। पाइप्स में पानी जम गया है तो मुझे उन्होंने अलग से पानी की बाल्टी लाकर दी। बाकी अच्छी बात यह है कि रूम में हीटर है और दिन ढलते ही यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। जितने कंबल रजाई मिले मैंने सब बिछा लिए और फिर मैं सो गया। और सुबह का प्लान ये है कि 1-2 लोकल रूट्स कवर करने की ट्राई करूँगा। तो आज 16 जनवरी है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। यहाँ से 7 बजे पूर्वनी गांव के लिए एक बस जाती है और मैं वहाँ जाने वाला हूँ, पर यहाँ बस स्टैंड आकर पता चला कि स्नोफॉल के बाद वहाँ के लिए बस सर्विस रिज्यूम नहीं हुई है। तो इतनी ठंड में सुबह सुबह उठना बेकार हो गया। यहाँ राकेश भाई भी शिमला के लिए निकलने की तैयारी में हैं। यहाँ बस स्टैंड के पास ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शंस नहीं हैं और जो हैं वो अभी बंद हैं। तो मैंने सोचा कि नीचे मार्केट जाकर आता हूँ और कुछ गर्मा गर्म चाय पराठे वगैरह खाए जाएं। इसी बस में मैं नीचे जा रहा हूँ। वैसे नारकंडा में जितनी स्नो थी उसके मुकाबले यहाँ काफ़ी कम है। नारकंडा दरअसल रिकांगपियो से भी ऊपर एलिवेशन पर है। नारकंडा जहां 2708 मीटर पर है, वहीं रिकांगपियो 2290 पर। कल्पा हालांकि नारकंडा से ऊंचा है और 2960 मीटर पर है। ये बस सुबह 6:15 बजे कल्पा से चलती है और 7:40 पर यहाँ रिकांगपियो से, फिर शाम करीब 5:30 बजे शिमला पहुँचती है।
और ये रिकोंगपियो से काजा वाली बस भी यहाँ आ गई है। ड्राइवर से थोड़ी बातचीत की तो पता चला कि परसों तक तो बसेस नाको तक ही जा पा रही थी, पर कल वाले ड्राइवर मुद ब्रिज तक ले गए थे, तो उम्मीद है मैं शायद कल काजा तक पहुंच पाऊंगा। अभी 8 बज रहे हैं और यहाँ भी सब बंद ही है, एक भी दुकान नहीं खुली है। लग रहा है कि रेस्ट हाउस में जाकर ही ब्रेकफास्ट मिलेगा। इंटरनेट के हिसाब से तो -8 डिग्री टेम्परेचर है और फील भी वैसा ही हो रहा है, पर शायद -2-3 के आसपास होगा। थोड़ी देर में यहाँ एक सब्जी की दुकान खुली और यहाँ मैंने अपने हाथ सेंके। ऊपर की साइड एक बस जा रही थी तो फिर मैं उसमें बैठकर बस स्टैंड पहुंच गया। ड्राइवर से बात करके पता चला कि मैक्सिमम लोकल रूट्स बंद हैं और अगले 2-3 दिन में खुलने की कोई उम्मीद अभी नहीं है। पूर्वनी, नेसंग, मूरंग सब बंद है। रोगी वाली बस भी कल्पा तक ही जा रही है और पांगी वाली भी आधे रास्ते तक ही। कल्पा तो हम पहले कवर कर चुके हैं तो मैंने सोचा अब पांगी जाया जाए। पांगी के लिए मॉर्निंग बस तो चली गई है और अब दोपहर में एक बस जाएगी तो उसमें ट्राई करता हूँ। मैक्सिमम रूट्स अभी बंद हैं इसीलिए बस स्टैंड पूरा पैक्ड है। विंटर्स में घूमने का ये नुकसान तो है कि सब अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। यहाँ बस स्टैंड में ये बसेस का टाइम टेबल लगा है। अड्डा इंचार्ज से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले काजा साइड घूम आओ, शायद तब तक लोकल रूट्स खुल जाएंगे। अगले 2-3 दिन में काजा की तरफ फिर से स्नोफॉल बताया है तो शायद वो रूट भी फेब तक बंद कर देंगे, तो कल ही जाना सही रहेगा। तो कल का प्लान फिक्स हो गया है कि सुबह 7:30 बजे की बस से काजा साइड जाऊंगा। बाकी देखते हैं कि बस कहां तक जा पाएगी। यहां मैंने देखा कि जितनी बार भी कोई बस बाहर निकलने लगती है तो सामने से कोई ना कोई बस आ जाती है। यहां बर्फ जमी है और चढ़ाई भी है तो थोड़ी दिक्कत है। इसके बाद मैं वापस अपने रेस्ट हाउस आ गया और अब धूप निकल आई है तो अच्छा लग रहा है। ये चंद्रमणि जी हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं और उनके साथ 2-3 लोगों का स्टाफ है। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ तो मुझे किचन में हीटर के पास बैठकर ब्रेकफास्ट करने दे रहे हैं। मैं 6 बजे का उठा हूँ और अब जाकर ब्रेकफास्ट मिला तो अब जान में जान आई। यहाँ पीछे बैकयार्ड में अच्छी धूप आती है तो मैं यहाँ आ गया। इन PWD या फिर दूसरे गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही प्रायोरिटी दी जाती है। प्राइवेट लोगों के लिए यहाँ अवेलेबिलिटी के हिसाब से रूम मिल जाता है। मुझे यहाँ रूम 300 रुपये का पड़ा जबकि प्राइवेट बुकिंग पर शायद 500 या 600 का रहता है। कुछ देर आराम करने के बाद 1:45 बजे मैं बस स्टैंड के लिए निकल गया। यहाँ मैं प्रवीण से मिला जो कि हमारे YouTube सब्सक्राइबर हैं और इनके घर भी यहीं पर हैं। प्रवीण को नहीं पता था कि हम बस का वेट कर रहे हैं और 1 बजे तक भी जब बस नहीं आई तो मैंने पूछा कि बस कहाँ रह गई, तो
तो प्रवीण बोलता कि पांगी वाली बस तो नीचे चौक से चली जाती है। तो हम फटाफट इस शॉर्टकट से नीचे भागे, रास्ते में काफी बर्फ है तो ध्यान से जाना पड़ रहा है। सवा एक हो गए हैं और अब काफी मुश्किल है कि बस अभी तक नीचे रुकी होगी, और बस यहाँ पर नहीं है। लग रहा है कि आज का दिन ही खराब है, कोई काम नहीं बन रहा। अगली और आखिरी बस अब 5 बजे है। भूख लगने लगी है तो सोचा पहले कुछ खाने का देखते हैं। ये मुस्कान कैफे है और यहाँ हम आए पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर वेट करने पर भी जब हमें जगह नहीं मिली तो हम ऊपर एवरेस्ट कैफे में आ गए। ये डोगी भी हमारे साथ साथ आ गया, पर ये काफ़ी समझदार है, इसे पता है कि अंदर नहीं आना है। यहाँ हमने मोमोज खाए और वेज मोमोज सूप के साथ यहाँ 100 रुपीज़ के हैं। साइज़ में भी ये काफ़ी बड़े हैं, और सच कहें तो अच्छे मोमोज तो आपको अपर हिमाचल में ही मिलेंगे। इसके बाद हमने सोचा कि कैब करके ही चलते हैं और फिर बस से वापस आ जाएंगे। कैब वाले भैया 500 रुपये में मान गए और हम पांगी की ओर चल पड़े। पांगी रिकोंगपियो से 11 किलोमीटर दूर है और 20-30 मिनट लगते हैं। ये पांगी यहाँ किन्नौर का एक छोटा सा गांव है, जबकि पांगी जो हमने लास्ट सीरीज में कवर किया था वो चंबा की एक बड़ी सी घाटी है। इस कैंची को गेट नाम से बुलाते हैं और अभी बस यहीं तक आ रही है। इसके बाद रास्ता काफ़ी नैरो है और बर्फ जमी हुई है, तो अगर हम बस से आते तब भी आगे पैदल ही जाना पड़ता। तीन बजे हम यहाँ पहुँच गए। रिकोंगपियो से यहाँ तक आने में हमें आधा घंटा लगा। मैंने भैया का नंबर ले लिया है इनकेस शाम को भी बस ना आ पाई तो। बस वैसे नॉर्मली यहाँ तक आती है। विलेज इन्फो वेबसाइट के अकॉर्डिंग पांगी में करीब 201 घर हैं और 875 लोग रहते हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी है। पांगी में घूमने के लिए ऐसा कुछ खास तो नहीं है। यहाँ ऊपर एक शाशेरिंग नाग टेम्पल है, पर वहाँ तक पैदल बर्फीले रास्ते से होकर जाना होगा। काफ़ी सारे सेबों के बगीचे भी हैं यहाँ।
यहाँ कुछ होमस्टेज और ढाबे भी हैं और बाकी ज़रूरत के सामान की शॉप्स भी हैं। रिकोंगपियो से पांगी तक डेली 3 लोकल बसेस हैं, और इसके अलावा जिस बस में मैं शिमला से रिकोंगपियो तक आया था वो भी गर्मियों में पांगी होकर कल्पा तक जाती है। 4 बजे तक हम यहाँ घूमे और फिर पैदल गेट की ओर चल पड़े जहाँ तक बस आएगी। यहाँ से ये रोड जितना सुंदर लग रहा है उतना खतरनाक भी है। वो सामने गेट है जहाँ तक हमें जाना है। यहाँ से भी काफ़ी बर्फीली चोटियों के मनोरम दृश्य दिखते हैं, पर किन्नर कैलाश का व्यू नहीं दिखता। वैसे साल 2020 और 21 में पैंडमिक की वजह से किन्नर कैलाश ट्रैक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। साल 2019 में भी किन्नर कैलाश में एक बड़ा हादसा हो गया था। उस टाइम अथॉरिटीज़ ने जुलाई में ट्रैक ऑर्गेनाइज करने की नोटिफिकेशन जारी की थी, पर कुछ लोग पहले ही बिना बताए वहां चले गए। ऐसे ही बिना बताए गए 5 लोगों के एक ग्रुप में 2 लोगों की ठंड की वजह से मौत हो गई थी और 3 को प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया था। न्यूज़ के मुताबिक पार्वती कुंड के पास मौसम बिगड़ गया था और बर्फबारी के बीच उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। यहाँ बीच में 2 ब्रिजेज आते हैं और ये बर्फ के बीच से बहता पानी बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ से ये पांगी गांव के व्यूज़। 4:45 बजे हम यहाँ गेट पर पहुँच गए। ये ऊपर वाला रास्ता कल्पा के लिए जाता है, तो रिकोंगपियो से ऊपर वाले रास्ते से भी यहाँ आया जा सकता है। अब अंधेरा होने लगा है और 5:20 तक भी जब बस नहीं आई तो मैंने बस स्टैंड में कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि 5:15 बजे बस रिकोंगपियो से चलती है तो 5:30 बजे तक पहुंचेगी। और फिर 5:35 पर बस आ गई और ये पांगी गांव के लोग अब यहां से पैदल जाएंगे। जाती बार तो बस खाली ही है। ये बस के कंडक्टर हैं और ये ड्राइवर साहब। छः बजे हम वापस रिकोंगपियो पहुँचे और अब तो अंधेरा हो ही गया है। ये बस तो नीचे वर्कशॉप ही जाएगी, तो इसने हमें चौक पर ही उतार दिया। और नीचे चौक से बस स्टैंड आने के लिए हमें फिर से अपनी जहरीली पहाड़न मिल गई। आप सोच रहे होंगे कि सुबह तो ये बस यहाँ से शिमला गई थी तो फिर वापस कैसे आ गई। एक्चुअली रामपुर से पहले बस में कुछ तकनीकी इशू आ गया था और ठीक होने में कुछ घंटे लगे।
तो जो बस शिमला से रिकांगपियो आ रही थी उसे वापस शिमला भेज दिया और इस बस को वापस रिकांगपियो। बस पहले अंदर गई पर मुड़ने की जगह नहीं थी तो बस को बाहर आकर ही मुड़ना पड़ा। तो ओवरऑल आज कुछ खास घूम नहीं पाए, बस एक ही जगह के चक्कर काटते रहे। कल का दिन लेकिन काफ़ी खास होगा क्योंकि शिमला काजा रूट पर विंटर टाइम का सफ़र तो यादगार रहेगा। ये काजा शिमला बस 7 बजे यहाँ से निकल रही है, तो इसके बाद मैं रेस्ट हाउस आकर सो गया क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। 6:30 बजे उठकर मैं 7 बजे रेस्ट हाउस से निकला और 7:15 बजे बस स्टैंड पहुंच गया। रिकांगपियो से काजा बस 7:30 बजे चलेगी और बस में 5-6 ही सवारियां हैं। राकेश भाई भी 7:40 पर शिमला के लिए निकलेंगे। पिछले 3 दिनों से मुझे रोज़ सुबह राकेश भाई के दर्शन हो ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, रिकांगपियो से काजा के इस खास सफ़र को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।